Hello everyone, myself Dr. Amit Mittal, Director of Mittal Hand Microsurgery Center, Jaipur, Vaishali Nagar, Senior Consultant, Santokh Badulabji Hospital, Jaipur. Today, our discussion point is the clavicle bone, which is our front bone, which is completely one bone, which is not straight, which is the latissimus bone, which is our this beach area, from shoulder to the pass, which is called clavicle bone. When it is fractured, we call it clavicle bone fracture. तो फिर ये जो क्लेविकल का फ्रैक्चर होता है कैसे हो जाता है, तो जब भी आदमी कभी भी कंधे के बल गिरता है या कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है रोड से बाइक से गिरने पर, तब इसके ऊपर जोर पड़ता है और ये बोन ऊपर और नीचे की साइड हो जाती है और एक के ऊपर एक आ जाती है। तो जब ऐसा फ्रैक्चर हो जाता है तो पेशेंट्स को इसको उठाने में काफ़ी दिक्कत होती है शोल्डर को, और जैसी सांस लेता है या खांसता है तो उसको काफ़ी दर्द होता है। तो इस चीज़ के लिए पेशेंट को जो शुरू के 3 to 6 वीक्स हैं उसमें काफ़ी परेशानी रहती है, क्योंकि उनको दर्द होता है और सांस लेने में भी दिक्कत होती है और कुछ भी उठाने के लिए उनको इमीडिएटली यहाँ पे एकदम दर्द होने लगता है अगर कुछ भी शोल्डर को उठाना है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। सबसे पहले ज़्यादातर जिनका भी फ्रैक्चर यहाँ का होता है, अगर उनको अपीयरेंस की कोई दिक्कत नहीं है जिसमें यहाँ पे थोड़ा बम्प दिखता है, तो हम उनको कहते हैं सिर्फ एक ब्रेस लगाने के लिए, जिसके कारण वो एक स्टेबल हो जाता है, ये बोन स्टेबल हो जाती है। वो ब्रेस हमारा यहाँ से लेके पीछे और यहाँ से लेके पीछे और पीछे टाई हो जाता है और एक बेल्ट की तरह हम उसको ऐसे पहनकर सारा काम कर सकते हैं। उसके साथ आदमी को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, दर्द की दवाई दे देते हैं। कई लोग यहाँ पर स्ट्रैपिंग कर देते हैं और उस बोन को कभी भी रिड्यूस नहीं करना होता है बिल्कुल, अगर वो ऊपर भी है एक के ऊपर तो भी उसको वैसे ही रखना होता है और वो हड्डी जुड़ जाती है। तो लोग काफ़ी परेशान होते हैं जब अपना एक्सरे देख रहे होते हैं, ऐसे फ्रैक्चर देख के कि सर ये तो हड्डी बहुत दूर दूर है या आगे पीछे हो गई है, तो सर हमारा कंधा छोटा हो जाएगा, सर हम कैसे उठाएंगे, हमें कोई दिक्कत होगी। तो ये उन व्यूअर्स के लिए बहुत सिंपल और एक लाइन में आंसर है कि चाहे बोन टेढ़ी जुड़े चाहे ऊपर नीचे जुड़े या कैसे भी जुड़े, ये आपका पूरा शोल्डर का फंक्शन पूरा ऐसा उठाने का हो सकता है। इसमें कभी भी आदमी को प्रॉब्लम नहीं होती, 4 to 6 वीक्स में वो काफ़ी बेटर हो जाता है। लेकिन जो यहाँ पर इसके साथ जो प्रॉब्लम होती है पेशेंट्स को, वो सिर्फ एक होती है, वो यहाँ पर एक मोटा सा यहाँ पर एक गांठ सी या फिर एक बम्प दिखाई देता है। उसके कारण लोग कभी परेशान रहते हैं कि सर ये कुछ ख़राब तो नहीं हो रहा है या हमारी स्किन में कुछ दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, सर अंदर सब कुछ ठीक है क्या, और वो एक्सरे जब करवाते हैं तो उसमें दिखता है कि हड्डी जुड़ गई है और लेकिन सर ये थोड़ी मोटी जुड़ी है, ये ठीक करवाना है क्या, इसकी ज़रूरत है क्या। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों का जो फंक्शन होता है या जो उनका जॉब होता है वो अपीयरेंस रिलेटेड होता है, स्पेशली वुमेन्स जो कि कॉर्पोरेट में होती हैं, उनके लिए जब वो कोई भी स्लीव कट या इस टाइप का पहनती हैं तो उनके लिए ये प्रॉब्लम रहता है। तो ऐसे लोगों को अगर अपना अपीयरेंस बहुत मैटर करता है तो उसमें हम ऑपरेशन के लिए उनको सलाह देते हैं, लेकिन उसका भी निशान थोड़ा बहुत रहता है जो इस लाइन में निशान रहता है जिस भी लेवल पे वो फ्रैक्चर हुआ है। तो ऐसे लोगों के लिए जिनके लिए अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बम्प उनको बिल्कुल नहीं चाहते वो, तो एक छोटी सी लाइन का स्कार होता है और यहाँ पे प्लेट लग जाती है और वो ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों में अगर वो स्कार भी नहीं चाहिए और फ्रैक्चर कुछ इस टाइप का है कि वो अपनी जगह ही है, तो हम वायर से यहाँ से वायर डाल देते हैं तो उसके कारण फिर वो स्कार भी नहीं दिखता है और हड्डी जुड़ जाती है और 4 to 6 वीक्स में वो अपना काम कर सकते हैं। इस ऐसे फ्रैक्चर्स के लिए पेशेंट्स को किसी रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो जॉब पर जा सकते हैं। हाँ, थोड़ा झटका खाने में, बाइक पर जाने में या बाइक चलाने में उनको दिक्कत रहेगी क्योंकि उसके लिए शोल्डर का मूवमेंट होता है, तो रेस्ट कर सकते हैं, घर पर जो भी काम करना है वो कर सकते हैं, खा सकते हैं। इससे जो भी शोल्डर की ऊपर वाली मूवमेंट है उसको अवॉइड करना होता है और वो आराम से अपना जीवन जो है उस टाइम 4 to 6 वीक्स आराम से सारा रूटीन वर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी के लिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।